गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर जी एस मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी, जीआईसी गुनियालेक नैनीताल। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के संघर्ष के विषय में। दोस्तों, मैं जीव विज्ञान का शिक्षक हूं और पिछले 14 सालों से शिक्षण का कार्य कर रहा हूं। मेरा यह अनुभव है कि जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, वह घर का सारा काम तो करते ही हैं और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं। अगर जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूं, उस विद्यालय की बात करूं, तो वहां पर जो छात्र छात्राएं आते हैं, अधिकतर छात्र छात्राएं सुबह जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं घर के लिए और मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद पैदल चल करके अधिकतर बच्चे विद्यालय आते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर तक से भी छात्र छात्राएं विद्यालय आते हैं। उसके बाद स्कूल से जाने के बाद पुनः वह घर का काम करते हैं। जब घर की पूरी जिम्मेदारी निभा लेते हैं, तब वह जो समय बचता है उसमें पढ़ाई कर पाते हैं। स्कूल तक लंबी दूरी आने और जाने में इतना समय लग जाता है और शारीरिक रूप से जो थकान हो जाती है, तो रात को जल्दी नींद आने लगती है। तो समझिए आप इन छात्र छात्राओं के संघर्ष को। यह ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो अत्यंत ही संघर्षशील और दृढ़ संकल्प के धनी हैं। और ये छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, ये जीवन में हमेशा सफल होंगे। ये बात अलग है कि जीवन का जो सफलता का मानक है, आपने और हमने किस प्रकार तय किया है, वह अलग अलग व्यक्ति अपने ढंग से तय करता है। वह इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति अधिकतम संघर्ष करता है और विपरीतम परिस्थिति से गुजरता है, वही संघर्षशील बन सकता है। इन छात्र छात्राओं का जो पृष्ठभूमि है, ग्रामीण है और आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते हैं कि वह तमाम संसाधनों को उपलब्ध अपने लिए करवा पाए, जिनसे उनका जीवन जो है सरल हो जाए। और सरकारी विद्यालयों में जो संसाधन है उसकी भी कमी रहती है, जिसके कारण इन छात्र छात्राओं को इन परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। एक तरफ हमारे पास वो छात्र छात्राएं हैं जो निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से बेहतर है और उनका केवल एक कार्य होता है पढ़ाई करना। दूसरे तरफ हमारे वो छात्र छात्राएं हैं जो घर का काम करते हैं, अपनी माँ बाप की मदद करते हैं, उसके साथ साथ अगर समय मिलता है तो पढ़ाई करते हैं। यह बात वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं या जिन्होंने इन क्षेत्रों में काम नहीं किया है। इस कारण से जो सरकारी शिक्षक है, उसको किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जहां तक पढ़ाई का प्रश्न है, जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से हमारे छात्र छात्राएं आते हैं, जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमारे छात्र छात्राएं आते हैं, उस पृष्ठभूमि का असर उनके पढ़ाई लिखाई में भी दिखता है। और इस बात को हमारे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं और शिक्षिकाएं हैं, उसको महसूस करते हैं और वह अपने स्तर से भरपूर मदद करने की कोशिश भी करते हैं ऐसे छात्र छात्राओं की। फिर भी उन छात्र छात्राओं को एकेडमिक्स में बेहतर करवाने का जो प्रयास है, उसमें हमारा शिक्षक और शिक्षिकाएँ हमेशा संघर्षशील होते हैं। तो किस प्रकार समस्याओं से आप लोग डील करते हैं, यह व्यू आप हमारे साथ अपने जो विचार हैं वो शेयर कीजिएगा। तो आपकी हो सकता है कि आपके कोई अच्छे विचार हमारे काम आ जाए और हम जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाने में सफलता मिले। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। अगर कोई छात्र छात्राएं या कोई अभिभावक जो इसको देख रहे हैं, वह भी अपने विचार रखने का कष्ट करेंगे। अगली वीडियो हम आपके समक्ष जब लाएंगे, उसमें किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।